एंड वेलकम टू अरुणेखा स्टडी। गाइस, मैजिकल मैथ्स के सीरीज में आज हम टाइम, वर्क एंड वेज चैप्टर के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द क्वेश्चन इज, ए टेक्स 4 आवर्स मोर देन डेट ऑफ ए एंड बी वर्किंग टूगेदर टू फिनिश सर्टेन पीस ऑफ वर्क, वाइल बी टेक्स 9 आवर्स मोर देन debt of A and B working together. Find in how many hours A and B working together can finish the work. इसमें बोल रहा है जो A है वो 4 घंटे अधिक लेता है A plus B, मतलब A और B जब दोनों साथ काम करते हैं उससे 4 घंटे अधिक ले रहा है, इसका मतलब A plus 4 हो जाएगा ये। और B जो है A plus B साथ में जो काम कर रहे हैं उसके उससे 9 घंटा अधिक ले रहा है, ये है। तो अब इस पे ऐसे लिख के सोचने लगेंगे क्या करें क्या करें क्या करें, इसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, हमें क्या निकालना है ए और बी साथ में कितना दे, मतलब ए निकालना है। तो ए के लिए एक सीधा सा फॉर्मूला होता है, इसको ट्रिक समझिए, फॉर्मूला नहीं है ये ट्रिक है। यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे कितना है 9, रूट अंडर 4 × 9, ये कितना होगा 36, और 36 का रूट क्या होता है 6, 6 आवर्स, 6 आवर्स आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, बी एंड सी कैन फिनिश इट इन 12 डेज, इफ ए वर्क्स फॉर 4 डेज एंड बी वर्क्स फॉर 7 डेज, रेस्ट वर्क इज डन बाय सी इन 9 डेज, इन हाउ मेनी डेज सी विल फिनिश द वर्किंग वर्क वर्किंग अलोंग। तो ए और बी ये मिलके 8 दिन में कर रहा है, बी और सी मिलकर 12 दिन में कर रहा है काम को, तो टोटल वर्क इसका एलसीएम यानी 24। इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3, ये हो जाएगी 2। अब देखते हैं ए प्लस बी की हो, इन इन दोनों की मिला के एफिशिएंसी 3 हो रही है, और यहाँ पे बी प्लस सी की मिला के एफिशिएंसी 2 हो रही है, ठीक। अब देखते हैं, अब क्या बोल रहा है, ए वर्क्स फॉर 4 डेज, 4 डे ए काम किया, प्लस बी वर्क्स फॉर 7 डेज, 7 बी, प्लस रेस्ट वर्क इज डन बाय सी इन 9 डेज, तो 9 डेज, टोटल वर्क 24। अब यहां देखेंगे, ये मेरा एक इक्वेशन तैयार हो गया। अब यहां से ऐसे लिख सकते हैं 4a plus b, यहां 4a plus b हो गया, बचा कितना 3b, तो प्लस 3b plus c, यहां से 3c भी निकाल लिए, बचा कितना 6c, 24, ये हो गया। अब देखिए a plus b की एफिशिएंसी कितनी थी 3, b plus c की एफिशिएंसी 2, अब उसको यहां पे रख देंगे, 4 × 3 + 3 × 2 + 6c = 24, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6, दोनों मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 18, तो 6c = 24 - 18 यानी 6, तो c की इफिशियंसी निकल गई यहाँ पे 1, c की इफिशियंसी क्या निकल गई 1। अब टोटल वर्क 24 है, तो कितने दिन लगेंगे इसको काम पूरा करने में, जो डेज होंगे वर्किंग डेज वो हो जाएंगे 24 डेज। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 25 डेज, इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर देन इन 3 डेज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड। क्वेश्चन बोल रहा है ए जो है वो 20 दिन में काम कर रहा है, बी 25 दिन में उसी काम को कर रहा है, अगर दोनों साथ काम करना शुरू करें तो 3 दिन में वो कितना काम करेंगे, 3 दिन में पूरे काम का कितने प्रतिशत काम करेंगे। तो ए कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 25 दिन में, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, वो हो जाएगा मेरा टोटल वर्क। तो 20 और 25 का एलसीएम कितना होगा 100, 100 इनका एलसीएम। अब इन दोनों का इफिशियंसी निकालेंगे, तो इन दोनों का इफिशियंसी निकालने के लिए डिवाइड कर देंगे
टोटल वर्क डिवाइड बाय डेज, तो यहां पे क्या हो जाएगा 5, यहां पे क्या हो जाएगा 4, मतलब ए का एफिशिएंसी 5 और बी का एफिशिएंसी 4, तो यहां ए और बी की एफिशिएंसी निकल गई 5 और 4। अब देखेंगे 3 दिन में वो कितना काम कर रहे हैं, तो ए भी 3 दिन काम कर रहा है और बी भी 3 दिन काम कर रहा है, इसका मतलब ये कितना हो गया 15 और 12 तो हो जाएगा 27, और टोटल वर्क कितना था 100, तो 3 दिन में कितना परसेंट कर लेंगे ये 27 काम कर रहे हैं, पूरे काम का 100 बटा 100 ये हो जाएगा 27%। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कैन फिनिश सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज व्हाइल बी कैन फिनिश इट इन 20 डेज, दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, आफ्टर सम डेज ए लेफ्ट द वर्क एंड वर्क नाउ फिनिश्ड इन टोटल 10 डेज, फाइंड आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट द वर्क। मतलब ए किसी काम को 14 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो यहां से इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो हो जाएगा 140, मतलब ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अब ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 10, बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 7, मतलब इसमें से इसको यहां पे डिवाइड चल रही है दोनों में तो वो निकल गई, और काम कितना दिन हुआ है जब दोनों साथ काम कर रहे हैं तो दोनों मिलके कुछ दिन काम किए उसके बाद ए छोड़ के चला गया और काम पूरा हुआ 10 दिन में, पूरे 10 दिन में, इसका मतलब बी तो पूरा 10 दिन काम किया है, तो बी पूरा 10 दिन काम किया है तो 10 × 7 10 दिन और ये 7 उसकी एफिशिएंसी, प्लस ए जो है वो कुछ दिन काम किया है, कुछ दिन को हम कर लेते हैं एक्स, और एफिशिएंसी कितनी 10, टोटल वर्क कितना है 140 ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 70, ये कितना हो जाएगा 10x, यहाँ 10x लिख सकते हैं, 10x = 140 - 70 मतलब 70, तो x कितना हो जाएगा 7, मतलब ए जो किया होगा वो 7 दिन काम करके और चला गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निर्मित कैन डू 2/3 ऑफ ए जॉब इन 18 डेज, कशिश इज ट्वाइस एज इफिशियंट एज निर्मित, इन हाउ मेनी डेज कशिश विल कंप्लीट द जॉब। निर्मित है ये 2/3 काम 18 दिन में कर रहा है, तो एक काम कितने दिन में करेगा 27 दिन में होगा, मतलब 18 × 3/2 ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा कितना 27, तो 27 दिन में ये कर रहा है एक काम, तो और यहां क्या बोला गया है कशिश जो है वो निर्मित से उसकी एफिशिएंसी क्या है 2 गुने है, ऐसे लिख सकते हैं एफिशिएंसी, तो इनकी जो काम करने की दिन होगी वो होगी निर्मित 1:2, ये उनकी एफिशिएंसी हो गई और ये उनका वर्किंग डे का रेशियो हो गया 1:2, मतलब ये 2 यूनिट 27 के बराबर है, तो 1 यूनिट क्या हो जाएगा 27/2 इतना डेज। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 men or 4 women कैन कंप्लीट ए जॉब इन 120 डेज, 12 men and 16 women विल कंप्लीट द सेम जॉब इन हाउ मेनी डेज। यहां 3 men और एंड नहीं दिया है, और दिया हुआ है 4 women, इसका मतलब 3 men or 4 women की वर्किंग कैपेसिटी इक्वल होगी, तो मैन और वीमेन की इफिशियंसी यहां पे मिल जाएगी 4:3। अच्छा 120 दिन में काम पूरा कर रहे हैं, मतलब वर्क निकाला जा सकता है, अब मेन की इफिशियंसी हो गई 4 और मेन कितने थे 3 और काम कितने दिन में हुआ है 120 दिन में, तो ये हो गई टोटल वर्क। अच्छा अब क्या बोल रहा है 12 men and 16 women, अब हमको डेज निकालना है, टोटल वर्क कितना हो गया 4 × 3 × 120, बोल क्या रहा है 12 men 12 × 4 प्लस 16 women 16 × 3 एफिशिएंसी उतनी दी हुई है वो हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 × 3 × 120 डिवाइड बाई ये भी 48 आएगा, ये भी 48 आएगा, दोनों 48 मतलब 2 × 48।
अब क्या हो जाएगा, ये 12, 10, 5, मतलब 15 डेज आंसर. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ टैंक कैन बी फिल्ड बाई पाइप ए इन 2 आवर्स एंड पाइप बी इन 6 आवर्स. एट 10 AM पाइप ए वॉज ओपेंड. एट वॉट टाइम विल द टैंक विल फिल्ड इफ पाइप बी इज ओपेंड एट 11 AM. ए कितनी देर में भर रहा है? 2 घंटे में. बी 6 घंटे में. टोटल वर्क दोनों का एलसीएम 6 हो जाएगा. इफिशियंसी क्या हो जाएगी? 3 और 1. इफिशियंसी ये निकल गई. अब बोल रहा है कि पाइप ए को 10 बजे हम चालू कर दे रहे हैं और पाइप बी को 11 बजे चालू कर रहे हैं. अब बताइए कि कितने बजे वो, कितने टाइम में वो टैंक फुल हो जाएगा. तो जो कितने टाइम में है, मतलब कितने देर बाद हम ऐसे कर लेते हैं, तो जहां से बी चालू हुआ है वहां से हम ले लेते हैं एक्स टाइम. और उसके बाद ये कितने, एक का एफिशिएंसी 3, और ये कितने देर चला होगा, तो ये एक्स देर चला होगा, तो ये एक्स प्लस 1 चला होगा. ये हो गया. और टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 6. अब यहां से हम निकाल सकते हैं 3x + 3 + x = 6. तो ये हो गया 4x = 6. एंड x इज इक्वल टू, ये 4x = 3 होगा, 3/4. ये आवर में हो गया. अगर इसको मिनट में करें तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15, ये 45 मिनट्स. इसका मतलब कि 11 बजे के बाद 45 मिनट बाद, 11 बजे के 45 मिनट बाद टैंक फुल हो गया होगा. मतलब 11:45 में टैंक फुल हो गया होगा. ऑप्शन नंबर ए आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राम एंड श्याम डू 8/13 पार्ट ऑफ अ वर्क एंड रेस्ट ऑफ द वर्क वाज कंप्लीटेड बाय अमन. इफ राम, श्याम एंड अमन टेक द सेम वर्क फॉर ₹2600, देन व्हाट इज द शेयर ऑफ अमन. तो राम और श्याम मिलके 8/13 वर्क कर दिए, टोटल वर्क का 8/13. तो अमन कितना किया होगा, अमन कितना किया होगा? 5/13. 5/13 किया होगा. मान लेते हैं टोटल वर्क 13 ही है, तो 13 वर्क पूरा है, 8 काम तो ये लोग कर दिए राम और श्याम. तो एक लिए कितना बचा? 5. तो 5/13 काम ये कर दिया. तो शेयर कितना हो जाएगा इसका? 5/13 × 2600, ये 200, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इतना